बांसजोड़ा कोइलवरी वर्कशॉप में रविवार की रात्रि सीआईएसएफ जवानों की लापरवाही के कारण अपराधियों ने एल्वेस्टर तोड़कर लाखों रुपए कीमत की तांबा पीतल सामग्री चोरी कर ले भागा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि उक्त वर्कशॉप के पीछे से लगभग 2 बजे रात्रि अज्ञात अपराधियों ने पेड़ के सहारे वर्कशॉप के छत पर चढ़ गया, जिसके बाद छत के ऊपर का एल्वेस्टर को आराम से तोड़ा, जिसे काफ़ी आवाज़ भी हुई, परंतु ड्यूटी में तैनात सीआईएसएफ जवानों को इसकी भनक तक नहीं लगी और उक्त अपराधियों ने रस्सी के सहारे वर्कशॉप के गोदाम में घुस गए और वहां से भारी मात्रा में तांबा पीतल के बने हुए ब्रॉस सेलिंग कॉलर कॉपर वायर सीमेंट प्लास्टिक बोरा में भरकर रस्सी के सहारे बाहर निकालकर ले भागा। चोरी की घटना हो जाने के बाद भी सीआईएसएफ को इसकी भनक तक नहीं लगी, जबकि ड्यूटी पर 2 सन्नी जवान तैनात थे। इसके अलावा वहाँ सीआईएसएफ कैंप है, जिससे हमेशा 25 से 30 जवान मुस्तैद रहते हैं एवं रात्रि में पेट्रोलिंग पार्टी भ्रमण करने रहती है। हालांकि घटना के बाद सीआईएसएफ जवानों को जांच के दौरान जानकारी मिली, जिसके सूचना तुरंत सीआईएसएफ इंस्पेक्टर राजीव कुमार तथा लोयाबाद थाना प्रभारी चुन्नू मुर्मू घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू किए, जिसमें घटनास्थल पर अपराधियों का चप्पल तथा रस्सी पुलिस ने बरामद किया, जिसके बाद अहले सुबह धनबाद से सीआईएसएफ की खोजी कुत्ता मंगवाया गया और सीआईएसएफ और पुलिस संयुक्त रूप में 5 नंबर क्षेत्र के आसपास मोहल्ले में अपराधियों की 2 घंटे तक तलाश की, परंतु कोई सफलता नहीं मिल सका और वापस लौट गए, जिसके बाद बांसजोड़ा परियोजना पदाधिकारी सहदेव मांझी ने लोयाबाद पुलिस को एक लिखित आवेदन देकर चोरी गए सामानों में सेलिंग कलर 6 पीस तथा कॉपर वायर 87 केजी, जिसकी कुल कीमत 61,230 की लिखित शिकायत की थी। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी चुन्नू मुर्मू ने कहा कि प्रबंधन के लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर अपराधियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी, जबकि सीआईएसएफ इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने कहा कि चोरों ने घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है। उक्त घटना की सारी रिपोर्ट वरीय अधिकारी को दे दी गई है। ड्यूटी में तैनात जवानों की लापरवाही के मामले जाँच का विषय है, जिस पर वरीय अधिकारी निर्णय लेंगे। विदित हो कि पिछले माह अपराधियों ने लोयाबाद 5 नंबर टावर घर में 2 बार श्रमिकों को बंधक बनाकर लाखों रुपए का केबल लूट कर ले गया। पुलिस उक्त मामलों के उद्भेदन नहीं कर सकी और यही घटना घट गई। कोइलवरी में लगातार हो घटना से सीआईएसएफ तथा पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं।